नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक सागर। ये वीडियो मैं बना रहा हूं, बहुत ही अजीब वीडियो है ये। अजीब मैंने इसलिए कहा कि अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल हम गाय भैंसों में भी कर रहे हैं। अब दूध के लिए कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो मैं बात करने वाला हूँ। दूध के लिए कर रहे हैं मतलब, रशिया में एक इंसान ने वर्चुअल रियलिटी के हेडसेट नहीं होते, ऐसे नहीं होते, ऐसे लगाते हैं बड़े बड़े और पूरा ऐसा लगता है कि जैसे हम उस जगह पर जा चुके हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग VR हेडसेट्स के बारे में नहीं जानते, तो यहाँ लगा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हम वहीं चल रहे हैं। वो हेडसेट बनाए गए अलग तरीके के गायों के लिए और गायों को वो पहना दिए गए और उनको चित्र दिखाए गए कि भाई वादियाँ हैं, हरियाली है, वैसे है कुछ नहीं, खटाल है, लेकिन सामने उनको दिख रहा है कि बहुत घास का मैदान है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, दूर दूर सिर्फ हरियाली है। तो ये देखकर गाय खुश हो जाती है और ज़्यादा दूध देती है। क्या वो सही में ज़्यादा दूध देती है या ये जो चीज़ है ये काम नहीं करती? तो मैं आपको बताऊं कि वो ज़्यादा दूध नहीं देती, लेकिन वो कम टेंशन में रहती है। जब वो दूध निकालने आ रहे तो कम टेंशन में रहती है गाय। और ये इनडायरेक्टली लिंक्ड है कि जो गाय होती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो गाय होती है वो जितना स्ट्रेस कम रहेगा उसका, उतना वो जो मिल्क प्रोडक्शन है उसका वो बढ़ जाएगा, तो उससे ज़्यादा दूध हासिल किया जा सकता है। तो इनडायरेक्टली इस टेक्नोलॉजी से ज़्यादा दूध हासिल किया जा सकता है और इस तरीके की चीज़ें रशिया में लोग कर रहे हैं। और अब आगे ये बड़े पैमाने पर जो VR हेडसेट हैं, जो अभी मेरे पास भी नहीं है, वो VR हेडसेट गायों को उपलब्ध कराए जाएंगे रशिया में, उनको वो पहनाए जाएंगे और उनको दृश्य दिखाए जाएंगे हरियाली वाले, जिससे वो ज़्यादा दूध दे सकें और उत्पाद दूध का ज़्यादा हो सके। और बस बढ़िया, यही काम होने वाला है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी होती हैं कि क्या ये सही है गाय को वो दिखाना, क्योंकि हमेशा गाय को तो हम VR हेडसेट पहना के नहीं रख सकते, दूध निकालने के बाद उसको फिर हटाना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ नहीं पता चली है कि ये शौक गाय बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि अचानक से पहले तो गाय देखेगी कि पूरा मैदान है, हरियाली है, और जब दूध निकाल लिया जाएगा तो वो देखेगी कि ये तो मैं खटाल में बैठी हुई हूँ। तो ये जो चीज़ है, ये शौक कैसे, एनिमल्स कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, उनका दिमाग किस तरीके की प्रतिक्रिया देगा इसके प्रति, अभी ये क्लियर नहीं है। लेकिन VR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे किया जा रहा है। VR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इंसानों में किया जाता है। जिन लोगों को ऊंचाइयों का डर होता है उन लोगों को सेशंस दिए जाते हैं। दिन में ये 30 मिनट का एक सेशन होता है जहां पर किसी भी इंसान को VR हेडसेट पहनाकर और उसे ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं कि वो बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है, तो उसमें उसको डर लगता है, लेकिन उसको ये पता रहता है कि ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ मुझको ऐसे दृश्य दिखाए जा रहे हैं 3D के। तो ऐसे ऐसे सेशंस किया जाता है जिससे जो ऊंचाइयों का जो डर होता है लोगों में वो खत्म हो जाता है, इसका ट्रीटमेंट होता है, ये सेशंस चलते हैं। और आपने देखा होगा कि जोक्स वगैरह, मीम्स वगैरह ये सब देखे होंगे, वीडियोस देखी होंगी कि किसी भी इंसान को अचानक से VR हेडसेट पहना दिया तो वो डर गया, बैठ गया कि अरे मैं नहीं हिल रहा, क्योंकि उनको पूरा वैसा ही नज़र आता है जैसा दृश्य चल रहा होता है। VR जो टेक्नोलॉजी है वो अभी इस हद तक आगे नहीं बढ़ पाई। ऑक्यूलस रिफ्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, फेसबुक ने भी निकाला था, VR गेमिंग के ऐसे प्रोडक्ट निकाले थे कि आप गेम खेल सकते हो, मतलब आप उस गेम में खुद नजर आओगे, आपको नजर आएंगी सारी चीज़ें। जैसे पबजी खेल रहे हो ना अभी, तो क्या होता है कि स्क्रीन पर नज़र आता है, इधर मुड़ते हो तो थोड़ी कुछ हो, गन वगैरह नज़र आती है, यहाँ ईर एंगल नहीं है, स्क्रीन में ईर एंगल है सिर्फ, मेरा मार स्क्रीन में ही है। लेकिन VR हेडसेट्स के साथ क्या होगा कि आप इधर भी मुड़ोगे तो भी आपको मेरा मार नज़र आ रहा है, पीछे देख रहे हो ऐसे तो पीछे गाड़ी आ रही है, अब आगे देखोगे तो कोने में आपका दोस्त घायल पड़ा है, मेडिकिट मांग रहा है, आप दे ही नहीं रहे उसको, वहाँ एटैक्स पड़ा हुआ है, मतलब रियलिटी जैसा नज़र आता है, जैसे इसका नाम कहता है वर्चुअल रियलिटी। हालांकि ये रियलिटी नहीं है लेकिन वर्चुअल रियलिटी है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि गायों के लिए इसका कैसा इस्तेमाल हो रहा है। अब ये चीज़ पता नहीं लग पाई है कि जानवरों के दिमाग पर क्या फ़र्क पड़ेगा, गलत फ़र्क भी पड़ सकता है, ये तो एक तरह की चीटिंग हुई भाई, तुमको दूध चाहिए तो तुम घास दिखा रहे हो, तुमने दूध निकाल लिया तो खटाल, ये तो नाइंसाफ, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि VR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे ऊंचाइयों के दूर को ख़त्म करने के लिए होता है। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। मुझे बताइए क्या दूध निकालने के लिए VR टेक्नोलॉजी एक सही चीज़ साबित होगी या नहीं होगी, क्या ऐसा करना चाहिए, क्या भारत में ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए,
इसके बारे में आप मुझे राय दीजिए, मुझे बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर 299 रुपीस के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो कि आपको बता देंगे कि आप हिंदी भाषा में, आसान भाषा में एक इथिकल हैकर कैसे बन सकते हो और हैकिंग कैसे सीख सकते हो। बहुत ही अच्छे कोर्सेज है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।